हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम स्टडी में। आज हम आपको जो प्रश्न बताने वाले हैं वो भारत के प्रमुख भौगोलिक उपनाम जिन शहरों को कहा जाता है। तो शॉर्ट में बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जैसे कि पहला क्वेश्चन है, ईश्वर का निवास स्थान किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है प्रयाग को। पांच नदियों की भूमि, ये कहा जाता है पंजाब को। सात टापुओं का सागर, सॉरी नगर, सात टापुओं का नगर, जी कहा जाता है मुंबई को। बुनकरों का शहर, जी कहा जाता है पानीपत को। अंतरिक्ष का शहर, जी कहा जाता है बेंगलुरु को। डायमंड हार्बर, जी कहा जाता है कोलकाता को। इलेक्ट्रॉनिक नगर, ये कहा जाता है बेंगलुरु को। त्योहारों का नगर, मुदैर को कहा जाता है। स्वर्ण मंदिर का शहर, ये कहा जाता है अमृतसर को। महलों का शहर, ये कहा जाता है कोलकाता को। नवाबों का शहर, जी कहा जाता है लखनऊ को। इस्पात नगरी, जी कहा जाता है जमशेदपुर को। पर्वतों की रानी, जी कहा जाता है मसूरी को। रैलियों का नगर, जी कहा जाता है नई दिल्ली को। भारत का प्रवेश द्वार, जी कहा जाता है मुंबई को। पूर्व का वेनिस, जी कहा जाता है कोची को। भारत का पेट्सबर्ग, जी शहर है जमशेदपुर। भारत का मैनचेस्टर, जी शहर है अहमदाबाद। मसालों का बगीचा, जिस शहर है केरल। गुलाबी नगर, जी कहा जाता है जयपुर को। क्वीन ऑफ डेक्कन, जी कहा जाता है पुणे को। भारत का हॉलीवुड, जी कहा जाता है मुंबई को। झीलों का नगर, ये कहा जाता है श्रीनगर को। फल धान्यों का स्वर्ग, ये कहा जाता है सिक्किम को। पहाड़ी की मल्लिका, ये कहा जाता है नेतरहाट को। भारत का लेटराइट, या पीथमपुर। पूर्व का पेरिस, जी कहा जाता है जयपुर को। साल्ट सिटी, जी कहा जाता है गुजरात को। सोया प्रदेश, जी कहा जाता है मध्य प्रदेश को। मल्या का देश, जी कहा जाता है कर्नाटक को। दक्षिण भारत की गंगा, जी कहा जाता है कावेरी को। काली नदी, ये कहा जाता है शारदा नदी को। ब्लू माउंटेन, ये कहा जाता है नीलगिरी पहाड़ियों को। एशिया के अंडों की टोकरी, ये कहा जाता है आंध्र प्रदेश को। राजस्थान का हृदय, ये कहा जाता है अजमेर को। सो गाइज, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो भारत के प्रमुख नगर हैं उनके उपनाम। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अक्सर ऐसे ही क्वेश्चन है जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो आपको वीडियो कैसी लगी, लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।